पहले वीडियो आना क्या किया अगर रखो आज करो आगे चलो बिस्मिल्लाह रेबन को चलो वीडियो रखिए जी जी बिस्मिल्लाह कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। सब स्टैंडर्ड काम हमें नहीं चाहिए। इससे पहले भी काफी पैसे यहाँ इस रोड पर खर्च हुए हैं, तो यही उम्मीद करते हैं कि एक्सएल साहब की देखरेख में जो यहाँ जेई साहब हैं वो भी काफी विजनरी हैं, तो अच्छा काम लेंगे। और हमारे जो एडब्ल्यू साहब हैं वो भी काम खुद ये देख रेख में रखेंगे और ये अच्छी तरीके से काम ये होगा और सुरनकोट की डेवलपमेंट हो। आज मुबारकबाद देता हूँ अपने सुरनकोट निवासियों को और ख़ासकर वार्ड नंबर एक और वार्ड नंबर दो के हमारे काउंसलर सायका शाहीन जी और जनाब हमीद मनाज साहब और वाइस प्रेसिडेंट संजीव शर्मा साहब के इन सब साथियों की वजह से जो है आज हम इस नवाड की रोड जो ये 3,37,00,000 रुपए का प्रोजेक्ट है जोगी मोड़ से टीसीपी सुरनकोट तक इसकी वाइंडिंग भी होनी है और इसकी शिंगल मैट्रिक से लेकर ड्रेन से लेकर बीटी तक जो है ये सारा एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है। तो हाँ, और मैं यहाँ पीएचई डिपार्टमेंट को भी आज यहाँ से रिक्वेस्ट करूँगा कि रोड में जिस कदर भी आपकी जो पाइपलाइन बिछी हुई हैं उनको प्लीज़ जल्दी हटाने की कोशिश करें ताकि ये प्रोजेक्ट हमारा इन टाइम कंप्लीट हो सके। तो ये हमारी कौंसल का हमारे कौंसल का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। ये रोड जो है आने जाने वाले सारे मुसाफिर सवाल करते थे कौंसल से कि आपके ये जो रोड है ये अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है, इसमें काफ़ी गड्ढे पड़ गए थे क्योंकि ये पहले जो है बीआरओ के पास थी, फिर प्रॉपर इन्वेंट्री बन के हमारे पास ये पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर हुई है। हमारे साथ एक्सिन शौकत साहब हैं और एडब्ल्यू शफीक साहब हैं, मुख्तार बानिया साहब हमारे जेई हैं। ये हमारी इस टीम की कोशिशों काविशों से इन्होंने एक प्रॉपर डीपीआर बना के और बड़ी मेहनत से जो है आज ये प्रोजेक्ट हमारा नबार्ड में सेंक्शन हुआ है और इंशाल्लाह आज इसका हमने यहाँ पर इफ्तिताह किया है। अल्लाह करेगा इसी तरह हमारे शहर में जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी डेवलपमेंट होती रहे। और मैं ख़ास करके शौकत साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इस रोड का ख़ास ख्याल रखे, बगैर लिहाज के जो है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करें। जहाँ इनको कोई दिक्कत आती है हमारी काउंसिल जो है इनके साथ खड़ी है। तो मैं अब जो है भाई अजीज साथी यहाँ पर खड़े हैं, ये हमारे लिए बड़े खुशी का बायस है कि ये रोड पहले ज़माने में यही रोड थी जम्मू पुंछ जाने की, लेकिन इसकी इतनी खस्ता हालत हो चुकी है, इसकी इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि यहाँ से कोई गाड़ी नीचे ऊपर जाना नामुमकिन हो गया। खासकर जब श्रीनगर के ट्रक आते हैं नीचे ऊपर के जाते हैं तो बड़ी एक बायस शर्म होती है कि सुरनकोट की यही रोड है, ये टाउन है, ये शहर है और शहर की रोड की ये हालत है। मैं सरकार को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी और एक्सिन साहब को भी और यहाँ के प्रेसिडेंट साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो है सेंक्शन हुआ है और खुदा करे ये पाए तकमील तक पहुँचना चाहिए। मैं अक्सीन साहब से ये गुजारिश करूँगा और उनके साथ जई साहब भी यहाँ खड़े हैं कि काम में कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे आप, कोई बड़ा हो या छोटा हो, आप ये मत देखना कि ये बड़ा है इससे हमें डर के वहाँ से गुजर जाना है। जितनी विड्थ है बगैर किसी कम्प्रोमाइज़ के उस रोड को पूरा खोलना है और एक ताकि जब कोई यहाँ से गुजरे ये पता चले कि यार पुरानी रोड किसी ज़माने में थी और आज अच्छी बन गई है और ये अच्छी बने चाहिए, यही लोगों की एक मंशा। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। काफ़ी अरसे से हमारी ये जो जोगी मोड़ से चेक पोस्ट तक ये जो रोड है इसकी बहुत ही हस्ता हालत थी, तो बहुत सारे गड्ढे और बहुत मतलब यहाँ पे ट्रैफिक का चलना बहुत मुश्किल हो गया था। और हमारे चेयरमैन साहब की कोशिशों से और हमारी पूरी कौंसिल की कोशिशों की वजह से जो है आज ये हमारा काम जो है ये 3,37,00,000 का जो है ये प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ है
और आज जो है वो काम शुरू होने जा रहा है। इसमें चेयरमैन साहब की बहुत बड़ी कुर्बानी है और पूरी कौंसिल ने इनका साथ दिया और ये पैसा जो है गवर्नमेंट ने हमें सेंक्शन करके दिया और आज ये रोड का काम जो है वो शुरू होने जा रहा है। एज पर स्पेसिफिकेशन मतलब इसकी जितनी भी हमारे पास कटिंग है वार्निंग इसको करके तो इसको पाया तक मिल बचाएंगे आप। बीच में हर्डल्स भी आ रहे हैं इसमें क्योंकि पीएचई की यूटिलिटी है उन्होंने मतलब रोड अलाइनमेंट में रखी है, उनको हमें नोटिस दिए हैं, अगर वो जल्दी उठा लेंगे तो अच्छी बात रहेगी, अगर दहेज होगी तो इस पर हमारा कोई गिला नहीं होगा हमारी तरफ से, ठीक है नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि इस प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से हम कम्प्लीट करेंगे, यही है लोगों का ऑपरेशन चाहिए तो उसी पर मैं था करता हूँ।